जब कोई कोर्ट या कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्लीन चिट मिल जाए तो उसको मुद्दे को समाप्त करना चाहिए। अब अडानी को गाली देने का कार्यक्रम चालू हुआ, पर सेबी ने जब क्लीन चिट दे दी तो अब तो मानना पड़ेगा। राफेल का मुद्दा उठा के अंबानी को गाली देने का कार्यक्रम चालू हुआ, पर सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दी तो मानना ही पड़ेगा। संजय जी, तब तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाओगे, मैं नहीं करूंगा। मैंने उनको कहा कि राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जा रहे आप, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे, पॉलिटिकल प्लस माइनस का तो इतिहास जवाब देगा, आने वाला समय जवाब देगा, पर पाप का जवाब यही मिल जाएगा। दिस इज ए सिन, दिस इज नॉट नथिंग मोर नथिंग लेस, ये एक तरह का पाप है। हिंदू ही नहीं, सारे धर्मों में किसी को भी अगर गाली देते हैं तो ये भारत की अंतरात्मा पर चोट है, मेरे को ऐसा लगता है। पर आप सनातन को धर्म को गाली दे और कांग्रेस पार्टी यहाँ चुपचाप बैठी है, मेरे से नहीं हो पाएगा कि इस कांग्रेस पार्टी आज दिशाहीनता की तरफ आगे बढ़ रही। तथ्य कौन दे रहा है? ये तथ्य वही व्यक्ति दे रहा है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मैं आपको सच बता रहा हूं, तब भी वही व्यक्ति मैनिफेस्टो बना रहा था जो आज बना रहा है, कांग्रेस पार्टी की नीति बना रहे। जिस आदमी ने राम मंदिर पे नहीं जाने का निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी में, संजय जी, वो व्यक्ति अपनी कक्षा के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा हुआ, मेरे समझ के परे। मैं 4 महीने तक इसीलिए इंतजार करता कि साहब पहले बोला गया वो एक पार्टी का इवेंट है, प्राण प्रतिष्ठा हम नहीं जाएंगे। चौथी बार के बाद जब 5वीं बार राज्यसभा आए तो मेरी सेटिंग गोटियां बैठ जाए। उनका एक ही एजेंडा है, मेरे खुद के 500 परिवार के घर है, 50 से ज्यादा मेरे परिवार के घर है। मेरे परिवार वालों ने कहा कि गौरव तू तो अच्छा आदमी है पर वोट तुझे नहीं दिया हमने, मेरे परिवार के लोगों ने। ताज्जुब होगा आपको, ये कौन सा महासचिव चुनाव लड़ रहा है सिवाय एक महासचिव जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार का अंतर नहीं आता, जिसको आप पूछो कि उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्र बता दे तो वो नहीं बता सकता, वो कांग्रेस का महासचिव है, सबसे ताकतवर। तो ऐसे लोग कैसे कांग्रेस को आगे ले जाएंगे? मैंने कहा मोदी जी जो बोलते हैं लोग विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने गुजरात में काम करके दिखाया। आप कहते हो डरो मत, बोलते हो ना, राहुल जी बोलते हैं ना, तो नहीं डरे तो फिर चलो अमेठी। आप लोगों को कह रहे हो डरो मत, आप क्यों अमेठी नहीं जा रहे? पत्रकार ने कुछ सवाल पूछा, तुम्हारे एडिटर की जाति बताओ, तुम्हारी जाति बताओ, एडिटर की जाति बताओ, एडिटर की जाति बताओ। ये तो मोहब्बत की दुकान नहीं हो सकती, ये तो मोहब्बत की दुकान नहीं हो सकती।